बड़े बाल, आंखों में सुरमा, माथे पर लाल टीका, गले में काला कपड़ा, कंधे पर गमछा, यही पहचान थी दुर्लभ कश्यप की। आखिर कौन था दुर्लभ कश्यप और कहां का रहने वाला था? कैसे इतनी छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का सपना देखने लगा और आखिर एक दिन गैंगबॉर्ड में मारा गया। हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप वाकई में यकीन नहीं करेंगे कि कोई इतनी कम उम्र में गैंगस्टर कैसे बन जाता है। दरअसल वो कम उम्र में दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। उसका नाम था दुर्लभ कश्यप। उसकी उम्र थी 16 साल। उसका पेशा था अपराध, जुर्म। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कम उम्र के लड़कों के गिरोह का सरगना था दुर्लभ कश्यप। उसकी उम्र अपने भविष्य को संवारने की थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके चाहत मशहूर होने की हो गई और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने जरायम की दुनिया में कदम रखा और इन सब में उसने सहारा लिया सोशल मीडिया का। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के उसी के जैसे कई हजारों युवा उसके साथ जुड़ते चले गए। पुलिस को चकमा देने के मामले में उसने बड़े बड़े अपराधियों को पीछे छोड़ दिया और उसके अपराध करने के तरीके भी बड़े बड़े गैंगस्टरों की तरह थे। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का अंजाम भी बुरा होता है। एक दिन ऐसा आता है जब उसकी हत्या कर दी जाती है और हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो जाता है दुर्लभ कश्यप। जिंदा रहते जितना मशहूर नहीं हुआ, मरने के बाद उतना मशहूर हो गया है दुर्लभ कश्यप। उम्र के इस पड़ाव पर था जहां हर बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की सोचता है, लेकिन दुर्लभ को तो गैंगस्टर बनना था। दुर्लभ लोगों के बीच में काफी फेमस हो चुका था। उस दौर में 16-17 साल के युवा बहुत तेजी से उसके साथ जुड़ते जा रहे थे। अपराध की दुनिया में शामिल होने वाले लोग दुर्लभ को एक आइकॉन की तरह देखने लगे थे। सोशल मीडिया के जरिए पूरे उज्जैन में अपने खौफ को फैलाने के लिए पोस्ट की जा रही थी। दुर्लभ कश्यप हमेशा अपने माथे पर गोल्ड टीका लगाता था, आंखों में काजल लगाता था, गले में गमछा डालता था और इसी वजह से वो अपने लाइफ स्टाइल के कारण चर्चा में भी रहता था। लेकिन दुर्लभ कश्यप इतने सारे लोगों का सरगना था तो उसकी मौत कैसे हुई? दरअसल 2 साल पहले दुर्लभ कश्यप ने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डाला। उसके पोस्ट ने दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया और बाकायदा उसने इसके लिए रेट तक तय कर दिए। दुर्लभ ने अपने पोस्ट में कहा था, झगड़ा कैसा हो, किसी भी तरह का झगड़ा हो, किसी की जमीन कब्जा कर ली गई हो, एक फोन करे उसका काम हो जाएगा। दुर्लभ की टीम में जैसे कपड़े वो पहनता था, उसके गैंग का हर मेंबर वैसे ही कपड़े पहना करता था, या फिर यूं कहें कि गैंग का ये ड्रेस कोड बन चुका था। ये गैंग सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। इस गैंग का फेसबुक पर पोस्ट होता था, अगर कोई गैंगस्टर किसी को परेशान कर रहा हो या फिर कोई भी बात हो, सब निपटा दिया जाएगा। और धीरे धीरे पूरे उज्जैन शहर में इस गैंग के नाम की तूती बोलने लगी। पुलिस ने अक्टूबर 2018 में उस समय इस नए गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि बहुत ही कम उम्र के थे। इनमें कुछ नाबालिग भी थे। इनके खिलाफ गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने के मामले में केस दर्ज किया गया। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग अवस्था में अपराध की दुनिया में अपने पैर बहुत आगे बढ़ा चुका था और वो न केवल आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हुआ बल्कि उसने नए उम्र के लड़कों की एक लाइन तैयार कर दी, उसके फॉलोअर बन गए और इसे फॉलो करने में उसका सबसे बड़ा हथियार था सोशल मीडिया, जिसे बढ़ाने के लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। कई बार उसने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए और उसी के माध्यम से अपने लड़कों को मोमेंट कराना, कई जगहों में जाना, विवाद में शामिल होना, नशा करना, इस प्रकार उसके लिए ये बातें आम हो गई थी। फिर इस गैंग के बारे में वहां के SP सचिन अतुलकर को मालूम चला, फिर सबको पकड़ा गया। इस गैंग के अपराधों की हिस्ट्री इतनी थी कि इनकी एक लंबी फाइल बनानी पड़ी, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बन पाया। सारे के सारे नाबालिग थे और उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। जब 18 साल का हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और इसे इंदौर के जेल में डाल दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद दुर्लभ कश्यप के गैंग की कमर टूटी। कहा जाता है कि इसी बीच जब तत्कालीन SP सचिन अतुलकर, जो कि अपने फिट बॉडी की वजह से जाने जाते हैं, वो जेल का दौरा करने गए थे तो उनकी मुलाकात जेल में इस छोटे से उम्र में बदमाश बने दुर्लभ कश्यप से होती है। तो उन्होंने कहा, तू इस उम्र में, कम उम्र में बहुत ज़्यादा दुश्मन बना चुका है, तो जेल में रह, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार डालेगा। और यकीन मानिए, दुर्लभ कश्यप उस डर से 1 साल तक बाहर नहीं आया और जब बाहर आया तो ऐसे ही काम को अंजाम देने लगा, जिसकी वजह से वो जेल में गया था और फिर से निकल कर वही करने लगा। और यूं ही ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। दुर्लभ रातों में निकलता, घूमता, पार्टी करता, लोगों को लूटता, मारता, यही सब चल रहा था। जेल से बाहर आने के बाद दुर्लभ अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझने लगा था कि ये जेल रिटर्न है, बहुत बड़ा डॉन है।
पुलिस की निगाहें भी इस छोटे से बच्चे को बहुत हल्के में ले ली कि छोटा सा बच्चा है, अब सुधर जाएगा। देश में लॉकडाउन चल रहा था, अपराध वैसे ही अपने चरम पर था। दुर्लभ कश्यप भी रोजाना रात में पार्टी करता, गुंडागर्दी करता, इन सब कामों में मशगूल था। लेकिन वो दिन आया जब दुर्लभ का उस रात अंत होने वाला था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दुर्लभ कश्यप का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि दुर्लभ कश्यप एक रात अपने दोस्तों के साथ उज्जैन के रफीगंज इलाके में एक चाय वाले से चाकू के नोक पर रंगदारी मांगता है। रंगदारी मांगने के बाद वहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद वो चाय वाला पुलिस में शिकायत करता, लेकिन पुलिस उसे भगा देती है, उसकी शिकायत नहीं सुनती। रात के 1 बजे दुर्लभ कश्यप फिर उसी दुकान पर जाता है चाय पीने के लिए, जहां पर शहनवाज नाम का एक युवक पहले से मौजूद रहता है। किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी होती है और तभी अचानक दुर्लभ अपने जेब से कट्टा निकालता है और शहनवाज को गोली मार देता है। गोली लगते ही शहनवाज वहीं गिरता है और वहां मौजूद उसके साथी दुर्लभ को घेर कर 34 बार चाकुओं से मारते हैं। सोचिए 34 बार। दुर्लभ को घिरता देख उसके साथी पहले ही भागते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जरायम के दुनिया में अपना नाम कमाने की चाहत रखने वाला एक 20 साल का दुर्लभ गैंग वॉर में चाकुओं के 34 वार से मारा गया। इस घटना का मुख्य गवाह बना उस चाय वाला अमन उर्फ भूरा, जिसे दुर्लभ ने लूटा था। उसके निशानदेही पर दुर्लभ के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद दुर्लभ के एक साथी अभिषेक ने कहा कि शहनवाज को गोली लगने के बाद जब उसके साथी दुर्लभ को चाकुओं से मार रहे थे तो चाय वाले ने कहा था कि भाई इसको छोड़ना मत, मार डाल इसको। पुलिस अपने जांच पड़ताल में लगी रही, लेकिन इसी बीच ऐसी खबर आई कि दुर्लभ कश्यप की हत्या में शामिल चाय वाले ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इस खबर को सुनाने का मकसद वही है जो मैं लगातार कहता हूँ, किसी भी गैंगस्टर का महिमा मंडन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप ऐसी कहानियों से सीख लीजिए, और अगर आप जरायम की दुनिया में एंट्री मारने की सोच रहे हैं तो मत सोचिए भाई। जरायम की दुनिया में जाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वहाँ से वापसी करना, वहाँ से वापस आना उतना ही मुश्किल होता है। जिंदा तो आप नहीं वापस आ सकते, इसी तरह अंजाम होता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी जब गैंगस्टर बनता है तो पहले तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका जीवन नर्क बन जाता है, उसके पूरे परिवार का जीवन नर्क बन जाता है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस दुर्लभ कश्यप की कहानी से रूबरू हो सकें।